अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद अ न्यू लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका हम पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने प्रेजेंट इनडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस बनाना सीखा था। आज का लेक्चर हमारा उसे नेक्स्ट है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, और अगर बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि हर नए आने वाले लेक्चर की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो स्टूडेंट्स, अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है आज, उसका हमने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों साथ में डिस्कस करेंगे, ताकि आपको एक्टिव वॉइस का भी पता होना चाहिए और फिर उस एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस क्या बनेगा वो भी आपको मालूम हो। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं लेक्चर की तरफ। सिंपल स्ट्रक्चर, ये वाला कॉलम जो है वो एक्टिव वॉइस का है और वो कॉलम पैसिव वॉइस का है। तो स्टूडेंट्स, सिंपल स्ट्रक्चर, सबसे पहले आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सिंपल स्ट्रक्चर में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट लगाना है, फिर हैज़ और हैव, फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, जब हमने इसकी आइडेंटिफिकेशन और बनाने का तरीका ये सारा कुछ सीखा था। तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, वर्ब की तीसरी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल हमने लिखी, आई हैव ईटन एप्पल, आई हैव ईटन एप्पल। दूसरी एग्जाम्पल है, ही हैज़ कॉल्ड अस, हैव का आना और हैज़ का आना ये शो करता है कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बेसिकली वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ये दोनों बताते हैं हमें टेंस को, एक टेंस को दूसरे टेंस के साथ डिफ्रेंशिएट भी करते हैं और हमें क्लियरली बताते भी हैं कि ये कौन सा टेंस है। तो आई हैव ईटन एप्पल, ही हैज़ कॉल्ड अस, ये हमारा सिंपल स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले हमने क्या लगाया, सब्जेक्ट लगाया। आई हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, हैज हैव में हमने एक लगाना है, तो आई के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव, वर्ब की आपने तीसरी फॉर्म लगाई, ईटन, और ऑब्जेक्ट आपने क्या इस्तेमाल किया, एप्पल। उसके बाद सेम एग्जांपल नीचे वाली है, ही हैज कॉल्ड अस, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब इसी तरह हम जब इसके नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव स्ट्रक्चर सबसे पहले आप क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नॉट वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव को डिस्कस करने से पहले हम उसका पैसिव वॉइस साथ डिस्कस कर लें, ताकि स्ट्रक्चर वाइज हम उसे डिस्कस कर लें। तो ये हमने इसको लिखा। अब देखिए सिंपल स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस का, यहाँ देखिए आपके पास सबसे पहले क्या था, सब्जेक्ट, लेकिन आपने उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले क्या लगाया, ऑब्जेक्ट। यहाँ भी आपके पास हेल्पिंग वर्ब शुरू में थे, हैज़ और हैव, और यहाँ भी आपके पास हैज़ और हैव। तो जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब हमारा सेम रहता है, लेकिन जो एडिशन हम करते हैं वो हम बीन का एडिशन करते हैं। तो हैज़ हैव बीन, यहाँ पे देखें आपके पास बीन नहीं लगा हुआ, तो आपने जो एडिशन किया था वो बीन का किया था। उसके बाद स्टूडेंट्स देखें यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाई गई है, थर्ड फॉर्म। तो इसी तरह आपके पास यहाँ भी वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। इस टेंस में हमारे पास एक फ़ायदा ये है कि यहाँ हमें ऑलरेडी थर्ड फॉर्म बनी हुई मिलती है, हमें बनाना नहीं पड़ती। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ देखें बाय आप लगाते हैं, और फिर आपने लास्ट में क्या लगाना है, सब्जेक्ट। यहाँ मैंने सर्कल्स के अंदर मेंशन किए हैं, आपने ऑब्जेक्ट लगाना है तो उसका कौन सा केस लगाएंगे, सब्जेक्टिव केस। इसी तरह अगर आपने सब्जेक्ट आखिर में लगाया है तो उसका कौन सा केस लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस। तो एग्जांपल हमारे पास थी, आई हैव ईटन एप्पल। आई हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है। तो यहाँ स्ट्रक्चर देखें, हमारे पास स्ट्रक्चर क्या कहता है, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ होना चाहिए, सबसे फर्स्ट में होना चाहिए। तो हमने ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट है, इसको उठाकर हमने कहाँ लगा दिया, शुरू में लगाया। देखें अब इस एग्जांपल में देखें, हमारे पास ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो एप्पल को उठाकर हमने शुरू में लगा दिया, यानी कि सब्जेक्ट इसे बनाया। अब हम चूंकि हमारे पास ये सिंगुलर है, तो हमने सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं, हैज़ लगाते हैं, और एडिशन आपने किस चीज़ करना है, बीन। तो इन दोनों में से आपने हैज़ लगा दिया और बीन आपने इसी तरह नीचे उतारा। उसके बाद स्ट्रक्चर आपसे कहता है आपने वर्ब की तीसरी फॉर्म लगानी है, तो यहाँ हमारे पास वर्ब क्या है, ईटन, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, तो आपने सेम उसको उठाया और इसी तरह यहाँ पे लिख दिया, ईटन। उसके बाद आपने एडिशन जो किया बाय का किया है, वो आपने यहाँ पे बाय लगाया। उसके बाद आप क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। तो यहाँ हमारे पास क्या था, आई क्या था, सब्जेक्ट था, तो आपने इसको उठाया और लास्ट में जाके इसे लगा दिया, लेकिन ये कौन सा केस लगाया है, ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ सब्जेक्टिव केस लिखा हुआ था, तो वहाँ पे आपने कौन सा केस लगाया है, ऑब्जेक्टिव केस।
इसी तरह दूसरी एग्जांपल देखें, ही हैज़ कॉल्ड मी, ये सब्जेक्ट है, उसको लास्ट में हमने ले गए हिम के पास, हिम में चेंज करके लगाए क्योंकि हमने ऑब्जेक्टिव केस लगाना है। इसी तरह हैज़ है, तो यहाँ देखें ऑब्जेक्ट आपके पास अस है, तो हमने स्टार्ट में ऑब्जेक्ट लगाना है, तो अस को जब हम सब्जेक्ट के तौर पे लगाएंगे तो किस में बदल देंगे, सब्जेक्टिव केस में। तो अस का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, वी, और वी के साथ वी चूंकि प्लुरल है तो इसलिए हम उसके साथ क्या लगाया, हैव। तो बीन आप इसी तरह स्ट्रक्चर के मुताबिक लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाएंगे, ऑलरेडी आपको थर्ड फॉर्म मिली हुई है, आप इसी तरह उसको उतार देंगे, बाय आप लगाएंगे, और हिम आप जो आपके पास यहाँ सब्जेक्ट है उसे आप हिम में बदल देंगे। तो ये सिंपल स्ट्रक्चर था। आप नेगेटिव देखें, हैज़ हैव के बाद आप क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं, फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इसी तरह आई हैव नॉट ईटन एप्पल, ही हैज़ नॉट कॉल्ड अस। अब पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखें, नेगेटिव सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट लगाया, फिर हैज़ हैव लगाना है, फिर नॉट लगाना है, फिर बीन लगाना है। अब चूंकि हमारे पास यहाँ हैज़ बीन हैव बीन है, तो जब आप नॉट लगाएंगे तो आपका जो मेन हेल्पिंग वर्ब होगा, प्रिंसिपल हेल्पिंग वर्ब होगा, आप उसके फौरन बाद लगाएंगे, बीन से पहले और हैज़ हैव के बाद आपने नॉट लगाना है। इसी तरह बाय लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, लेकिन इसका कौन सा केस होगा, ऑब्जेक्टिव केस। अब वी हैव एन एग्जाम्पल, आई हैव नॉट ईटन एप्पल, तो एप्पल हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, आप इसे उठा के कहाँ ले आएंगे, शुरू में ले आएंगे। उसके बाद एप्पल के साथ हम क्या लगाएंगे, हैज़, क्यों लगाया, क्योंकि ये सिंगुलर है। नॉट लगाना है स्ट्रक्चर के मुताबिक, आप हैज़ के बाद आपने नॉट लगा दिया, बीन को आपने स्ट्रक्चर के मुताबिक इसी तरह उतारना है, तो आपने उसे बीन भी लगा दिया। फिर बाय का लफ्ज़ आपने लगाना था, आपने बाय का लफ्ज़ लगाया। उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, लेकिन जब आप सब्जेक्ट को उठाकर ऑब्जेक्ट की जगह पे लेके जाएंगे तो आप उसका केस भी बदल देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आई क्या था, सब्जेक्ट था, तो तब हम जब इसे ऑब्जेक्ट के तौर पे लगाया तो उसका ऑब्जेक्टिव केस ही हमने लगाया वाई में। दूसरी एग्जाम्पल है, ही हैज़ नॉट कॉल्ड अस, उसने हमें बुलाया है, कॉल की है। ही क्या है, सब्जेक्ट है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, कॉल्ड वर्ब है, और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर कहता है सबसे पहले आपने क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट, तो हम उठा के इसको शुरू में ले आए, यानी कि अस को उठा के आपने स्टार्ट में ले आया, लेकिन इसका केस भी साथ में क्या कर दिया, बदला। तो अस यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस था, यहाँ कौन सा केस आ गया है, सब्जेक्टिव केस। और वी के साथ हम जानते हैं हमने हैव लगाना होता है, तो वी हैव, चूंकि अब यहाँ नॉट लिखा हुआ है तो हमने इसी तरह उसको उतार दिया, वी हैव नॉट। स्ट्रक्चर के मुताबिक बीन लगाना है, फिर आपने वर्ब की तीसरी फॉर्म लगानी है, यहाँ ऑलरेडी आपके पास थर्ड फॉर्म मौजूद है, आप इसको इसी तरह यहाँ पे लिख देंगे। अब आप स्ट्रक्चर के मुताबिक बाय लगाएंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट लगाएंगे, यहाँ हमारे पास सब्जेक्ट ही है, तो जब आप इसे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो आप इसका ऑब्जेक्टिव केस ही लगाएंगे। इसी तरह हमारे पास इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में एक्टिव वॉइस में हैज़ हैव को उठाकर आप सब्जेक्ट से पहले प्लेस करेंगे, यानी कि जब आप इंट्रोगेटिव बनाएंगे जो आपका हेल्पिंग वर्ब है उसे आप सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे। हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में आपने क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो इसका मतलब है आप इंट्रोगेटिव सेंस को कंप्लीट नहीं करते हैं, तो आपको उसका मार्क्स नहीं मिलेंगे बल्कि डिडक्शन कर दी जाएगी, क्रॉस लग जाता है। एग्जांपल्स है हमारे पास, हैव आई ईटन एप्पल, हैव क्या हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, इसे हमने शुरू में क्यों लगाया, क्योंकि ये हमारे पास इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर हमसे कहता है कि आपने हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सब्जेक्ट से पहले प्लेस करना है। आई हमारे पास यहाँ सब्जेक्ट है, ईटन हमारे पास क्या है वर्ब है, और एप्पल हमारे पास क्या है ऑब्जेक्ट है। डियर स्टूडेंट्स, जो एक्टिव वॉइस में है उसमें हमारे पास एस वी ओ स्ट्रक्चर होता है, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, लेकिन जब आपके पास पैसिव वॉइस आता है तो आपके पास स्ट्रक्चर बदल जाता है, एल ओ वी एस, इसे हम ओ वी एस कर देते हैं, ऑब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट। इसी तरह दूसरी एग्जांपल, हैज ही कॉल्ड अस, हैज हमारे पास क्या है हेल्पिंग वर्ब है, ही हमारे पास क्या है और सब्जेक्ट है, और कॉल्ड हमारे पास वर्ब है, और अस हमारे पास क्या है ऑब्जेक्ट है। अब हम जब इसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हैज हैव इसी तरह स्टार्ट में आएगा। अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट था, यहाँ क्या है ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट सबसे पहले लगाते हैं,
तो यहाँ हैज़ है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन। अब बीन हमने चूँकि पैसिव वॉइस में ये रूल है कि आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पैसिव वॉइस बनाते वक्त हैज़ हैव के बाद बीन लगाना होता है। फिर आप क्या लगाएंगे वर्ब की तीसरी फॉर्म, फिर बाय, लास्ट में आप क्या लगाएंगे सब्जेक्ट, लेकिन इसका कौन सा केस लगाना है ऑब्जेक्टिव केस, और लास्ट में सबसे क्या लगा दोगे क्वेश्चन मार्क। अब एग्जाम्पल इसको सॉल्व करते हैं हैव। अब यहाँ चूँकि ऑब्जेक्ट हमारे पास एप्पल है तो उसे जब शुरू में लगाएंगे तो एप्पल की मुनासिबत से एप्पल की जो रिक्वायर है इसके साथ हैज़ लगाना या हैव लगाना है, ये सिंगुलर है तो हम क्या लगा देंगे हैज़। अगर यहाँ एप्पल्स यानी कि एस का इजाफा होता तो हम यहाँ पे हैव लगाते यानी कि हैव एप्पल्स आता। अब चूँकि ये सिंगुलर है तो हमने क्या लगाया हैज़ एप्पल बीन ईटन बाय मी। ये हमारे पास क्या है हेल्पिंग वर्ब है, एप्पल हमारे पास ऑब्जेक्ट है और बीन हमारे पास स्ट्रक्चर के मुताबिक हमने यूज़ किया। उसके बाद ईटन हमारे पास वर्ब की तीसरी फॉर्म तो वो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद थी। उसके बाद हमने जो एडिशन किया वो बाय का किया है यानी कि बाय लगाया स्ट्रक्चर के मुताबिक। उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट आपके पास यहाँ पे आई है और आई को आपने कन्वर्ट करके किस में लिख दिया मी में। क्यों लिखा, क्योंकि जब सब्जेक्ट को उठाकर आप ऑब्जेक्ट की जगह पे लगाते हैं तो हमेशा कौन सा केस आता है ऑब्जेक्टिव केस आता है। सेम एज वी हैव अनदर एग्जांपल हैज़ ही कॉल्ड अस, क्या उसने हमें पुकारा है या बुलाया है। हैज़ ही की वजह से हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाया हैज़ कॉल्ड, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को हम शुरू में लगाएंगे, अस अस को हमने कन्वर्ट करके किस में लगाया वी में। अब चूंकि हमारे पास इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में हम हैज़ हैव को शुरू में लगाते हैं तो हैव लगाया क्योंकि यहाँ पे वी है और वी हमारे पास प्लुरल फॉर्म है, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड हियर हैव Have we been structure के मुताबिक। फिर थर्ड फॉर्म ऑलरेडी आपके पास यहाँ called मौजूद है तो called हमें उसकी थर्ड फॉर्म बनानी नहीं पड़ी, पहले से मौजूद थी, उसको हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। फिर स्ट्रक्चर के मुताबिक हमने क्या लगाया by लगाया और लास्ट में हमने him लगाया। him क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट है लेकिन him सब्जेक्ट की कौन सा केस है ऑब्जेक्टिव केस, ये हमारे पास सब्जेक्ट है उसका केस हमने हिम लगाया। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट वी आपने क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते तो इसका मतलब है आप इंट्रोगेटिव फॉर्म को इंट्रोगेटिव सेंस को कंप्लीट नहीं करते हैं। अब यहाँ पे एक और बात चीज़ सुन लें कि हैज़ और हैव में से हमने हैज़ किस नाउन किस प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल करना है और हैव किसके साथ इस्तेमाल करना है। तो रिमेंबर डैट जहाँ पर आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट होगा सिंगुलर सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउंस यानी कि ही शी इट और या सिंगल नाम किसी का आ जाता है तो आप उसके साथ हैज़ लगाएंगे। लेकिन अगर आपके पास प्लुरल फॉर्म्स आती हैं और फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन ऑफ प्रोनाउंस आते हैं तो आप इनके साथ हैव लगाएंगे यानी कि आई वी यू दे या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट अगर सेंटेंस में इस्तेमाल होते हैं तो आप हैव का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज आप हैज़ ही लगाएंगे। एक और बात पैसिव वॉइस जब हम बनाते हैं तो तमाम के तमाम पैसिव वॉइस के टेंसेज में वर्ब की तीसरी फॉर्म लगाई जाती है। किसी टेंस में हम वर्ब की पहली फॉर्म टू फॉर्म दूसरी फॉर्म इस्तेमाल नहीं करते बल्कि थर्ड फॉर्म ही हमेशा इस्तेमाल की जाती है। सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स बदलते हैं, बाकी सारा स्ट्रक्चर हर टेंस का क्या होता है सेम होता है। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीखा था जिसमें हमने एक कॉलम में एक्टिव वॉइस को लिखा और दूसरे कॉलम में हमने पैसिव वॉइस को लिखा और हमने तीनों स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करने की कोशिश की। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो को दोबारा देखिए और उसे समझने की कोशिश कीजिए। अगर तब भी आपको कोई कन्फ्यूजन रह जाती है तो कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिखिए, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में आप उसका जवाब ज़रूर देंगे। अगले लेक्चर के साथ मिलेंगे दोबारा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।